इंदौर पुलिस ने सब्जी वाला बनकर रेकी की और 70 लाख रुपए के हीरे जवाहरात की चोरी का खुलासा कर दिया। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। गुलाबबाग कॉलोनी में रहने वाले अर्पित ने अपने घर में हुई चोरी की रिपोर्ट थाने पर की थी। इसके बाद डीसीपी जोन 2 अभिषेक आनंद ने आरोपियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई और अलग अलग टीमें बनाकर रवाना की। एक टीम में पुलिसकर्मी सब्जी बेचने वाले का भेज बनाकर आरोपियों की रेखी कर रहे थे और उन्हें सफलता भी मिल गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 70 लाख रुपए के हीरे जवाहरात भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जो थाना प्रभारी लसूड़िया है, इनकी टीम ने बहुत शानदार कार्रवाई की। पुलिस को इसके बाद फिर जो कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले और कुछ वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली कि जो आरोपी है उनमें एक जो आरोपी है वो पहले जो फरियादी के घर पे ड्राइवर के रूप में काम कर रखा है, तो वहां से उसके बाद फिर पुलिस को आगे लिंक मिली तो पता चला कि एक पूरा गिरोह है जिसने ड्राइवर ने जो इकट्ठा करवाया था। इसमें जो अलग अलग जगह के जो लोग थे, इसमें गोरखपुर, रायसेन, बैतूल, रीवा, खातेगांव, अलग अलग जगह के ये लोग थे जो जिस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पुलिस की सूचना मिली था, पुलिस की एक स्पेशल टीम बनी थी थाना प्रभारी लसूड़िया और एसीपी विजयनगर के निर्देशन में, जिसमें ये टीम जो है अलग अलग जगहों पे इन्होंने उनकी तलाश शुरू की। तो उसके बाद फिर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये जो आरोपी हैं ये अपना जो इतनी बड़ी जो चोरी हुई थी इसके माल का बंटवारा करने के लिए पुनः जो है इंदौर की तरफ रवाना हुए हैं। और जब पुलिस की जब तो फिर उसके बाद फिर पुलिस वापस ये टीम आई और पता चला कि ये इंदौर में जो 78 के एक मकान है जहाँ पे पूरे माल का ये जो सभी लोग हैं जो आरोपी 4 हैं वो सब बंटवारा करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने इन सबको धर दबोचा।